हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी बंदे की कॉल्स जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो सुन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी बंदे की अगर कॉल्स जो है वो अपने मोबाइल पर सुनना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक कोड को जो है उसके मोबाइल में मिलाना होगा। वो कोड कौन सा है वो ही मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या होगा, उसके मोबाइल में जिसके मोबाइल की आप सारी कॉल्स जो है वो सुनना चाह रहे हैं अपने मोबाइल में, उसके मोबाइल पर जस्ट डायलर में आए और वहां पर आपने आकर जस्ट इस कोड को जो है वो डायल करना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आप लोगों ने उसी तरह लिखना है, और उसके बाद जो है उसका नंबर आपने जो है मिलाना है, वो भी मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को मिस ना कीजिएगा। सारे स्टेप जो आपने फॉलो करने तभी आप समझ पाएंगे या आप किस तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने डायल क्या करना है, *21# ये मिलाने के बाद फ्रेंड्स जिस तरह सिंपली हम कॉल पे टैप कर देते हैं, इसी तरह आपने जो है वो यहाँ पर कॉल मिलानी है। जैसे आप कॉल मिलाएंगे आपके पास सामने ना इस तरह से कुछ लिखा आ जाएगा कि ये कोड जो है वो स्टार्ट हो गया, या आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग का आपको यहाँ पर इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने नीचे दोबारा से लिखना है *21, फिर *, और उसके बाद अपना फोन नंबर आप लोगों ने यहाँ पर डायल करना है। आप लोगों ने अपना नंबर लिख लेना, इस तरह जो भी आपका नंबर है आगे आपने वो डायल कर लेना है। उसके बाद आपने हैश पे टैप कर देना है। जैसे आप हैश दबाएंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर ये सर्विस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद उस बंदे की जितनी कॉल्स भी उसके मोबाइल पे आएंगी वो जो है वो वहाँ से फॉरवर्ड होकर आपके मोबाइल पर आ जाएंगी, यानी कि उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि उसको उस पीरियड में उस टाइम में कॉल्स आ रही हैं। तो जितनी भी कॉल्स होंगी वो आप जो है वो सुन पाएंगे अपने मोबाइल पर। इसी तरह यहाँ पर आपने नंबर जो लिखने के बाद कॉल पे इस तरह से है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखा भी आ जाएगा कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो सक्सेसफुली आपने जो है वो कोड सही से लगा दिया है। उसके बाद आप लोगों ने जितनी भी किसी की भी अगर बातें सुननी है अपने मोबाइल पर, उन सब कॉल्स को आप सुनने के बाद जाहिर बात है कि आप लोगों को दोबारा से जो है वो उसको डीएक्टिव भी करना है उस कोड को। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सिंपली आप लोगों ने उसके मोबाइल में फिर लिखना है ##21 और #, उसके बाद कॉल पे जो है वो टैप कर दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी तरह फिर आप लोगों को लिखा आ जाएगा, ये कॉल फॉरवर्डिंग की जो सर्विस थी वो यहाँ पर जो है आपने डीएक्टिवेट कर दी है, यानी कि यहाँ पर आपने उसे बंद कर दिया है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर लिखा आ जाएगा जिस तरह की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस कोड को आपने बड़े ध्यान से कहीं पर भी लिख लेना, फिर आपने जो है इसी तरह उस बंदे के मोबाइल में आपने ये सारा कोड लगा देना, उसकी सारी कॉल्स जो है वो आपके मोबाइल पर आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ट्रिक दोनों आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और शेयर करने से अपने एंड्रॉइड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।